एवरीवन, आज मैं आपको फाइव थिंग्स बताने वाली हूँ या फाइव प्रैक्टिस बताने वाली हूँ जो आपके मैनिफेस्टेशन को स्पीड देंगे और 100 नहीं 1000 टाइम्स स्पीड देंगे। और ये माय डियर फ्रेंड, ये काम करते ही करते हैं। एवरी प्रैक्टिस वर्क्स लाइक मैजिक। ये मैंने खुद आजमाए हैं और आप भी इनको आजमा के देखो। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मेरा मैनिफेस्टेशन डिले हो रहा है तो आज से ही ये पांचों प्रैक्टिस को शुरू कर दो। पहली प्रैक्टिस है ब्रीदिंग प्रैक्टिस या ब्रीदिंग मेडिटेशन। इसमें आपको क्या करना है, आपको ब्रीद करना है। और ब्रीद जब हम करते हैं तो एक बार इनहेल करना है, एक बार एक्सहेल करना है और उसको 1 काउंट करना है। ऐसा 50 तक आपको ब्रीद करना है डेली बेस पे। रेगुलर आप शाम को या मॉर्निंग में जब भी चाहो आप इसको प्रैक्टिस करो। उससे क्या होता है, आपकी जो करंट रियलिटी या जो करंट में आप जो इमोशंस या जो सोच रहे होते हो कि मेरी ग्रोथ डाउन जा रही है, मेरा मैनिफेस्टेशन नहीं हो रहा है, नेगेटिविटी अट्रैक्ट हो रही है, तो वो उससे दूर होती। क्योंकि हमारा पूरा फोकस कहाँ चला जाता है, हमारा पूरा फोकस चला जाता है हमारे मेडिटेशन पे, ब्रीदिंग पे, और हमारे करंट जो विचार है उस पे एनर्जी नहीं जाती, उस पे फोकस नहीं जाता है, तो हमारा ध्यान वहाँ से हट जाता है और हमारा ओरिजिनली हम अपने सोर्स या अब्राहमिक्स बोलते हैं वोर्टेक्स, उससे कनेक्ट हो जाते हैं जहाँ पे ऑलरेडी सारी डिजायर कंप्लीटेड है। तो हमारे वाइब्रेशन, हमारी डिजायर जो कंप्लीटेड है उसके वाइब्रेशन से इक्वल हो जाते हैं और उसी पल से वो हमारी लाइफ में आने के लिए तैयार हो जाते हैं, हमारी रियलिटी बनने लगते हैं और सबकॉन्शियस माइंड उसके लिए काम करने लगता है। वैसे लोग मिलने लगते हैं और आपको वैसी फीलिंग भी आने लगती है, इवेंट्स भी आपके अकॉर्डिंगली होने लगते हैं क्योंकि उनसे हमारे वाइब्रेशन तुरंत हाई होते हैं। ओरिजिनली भी हम अनलिमिटेड बीइंग हैं, हम कॉन्शियस बीइंग हैं और हमारा जो ओरिजिनल नेचर है वो ऑलरेडी हाई वाइब्रेशन वाला है। और हम जो करंट में सोच रहे होते हैं उस नेगेटिविटी की वजह से हमारे वाइब्रेशन लो रहते हैं, और जैसे ही हम उसको भूल जाते हैं या वैसे ही जैसे ही हमारा टेंशन वहाँ से हट जाता है, वो ओरिजिनली अपने आप ही हाई हो जाते हैं। अब्राहम हिक्स ने इसके लिए एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया है। जैसे पानी में कॉर्क या बॉटल का जो ढक्कन रहता है वो नीचे अगर हम दबा दें तो ज़्यादा देर तक दबा नहीं रह सकता या दबा ही नहीं रह सकता जब तक कि उसके ऊपर कोई प्रेशर ना डाला जाए, और जैसे ही वो प्रेशर हटता है कॉर्क अपने आप ऊपर आ जाता है। वैसे ही हम अनलिमिटेड हाई वाइब्रेशनल प्योर पॉजिटिव पावरफुल बीइंग है, और हम जब अपनी नेगेटिविटी के प्रेशर की वजह से नीचे दबे रहते हैं या हमारा वाइब्रेशन जो लो रहते हैं तो वो प्रेशर की वजह से हम वैसा लो फील करते हैं। और जैसे ही नेगेटिविटी का प्रेशर दूर हो जाता है, मीन्स हमारे अंदर कोई डाउट नहीं रहता मैनिफेस्टेशन को लेके, कोई फियर नहीं रहता है, हमको पता रहता है हम अनलिमिटेड हैं, हम जो चाहे वो पा सकते हैं। और जैसे ही ये नेगेटिविटी वाली फीलिंग अलग होती है तो जो हमारा ओरिजिनल हाई वाइब्रेशन वाला नेचर है अपने आप ही ऊपर आ जाता है, उसको कुछ करने की ज़रूरत नहीं रहती। और मेडिटेशन या ब्रीदिंग प्रैक्टिस वन ऑफ द मोस्ट इफेक्टिव प्रैक्टिस है, आपको ये करना ही चाहिए। डेली इसको करो, मैनिफेस्टेशन की स्पीड 100% बढ़ती है। सेकंड थिंग आपको जो करना है वो आपको करना है विजन बोर्ड बनाना है। आप जो मैंने पहले प्रैक्टिस बताई उसमें आप प्लेस को भी चेंज कर सकते हो, मींस ब्रीदिंग मेडिटेशन के साथ में आप कभी वॉक पे जाओ, नेचर से कनेक्ट हो, अपने आसपास जो आपको अच्छी चीज़ें लगती हैं, कोई गार्डन हो वहाँ जाओ, मींस नेचर से कनेक्ट रहो। नेचर से कनेक्ट रहने से हमारे ओरिजिनली वाइब्रेशन हाई होते हैं। और अभी सेकंड थिंग जानते हैं, तो जो दूसरी चीज़ आपको करनी है, विजन बोर्ड बनाना है आपको मैनिफेस्टेशन के जो भी गोल, चाहे घर का हो, कार का हो, या लव रिलेशनशिप का हो, या फिर आपके जॉब का हो, या स्टूडेंट के लिए मार्क्स का हो, आपको विजन बोर्ड में वो चीज़ को लगाना है। और अगर आपने विजन बोर्ड में नहीं लगाया है तो आपको बना के लगाना है, और अगर ऑलरेडी आपने लगाया है तो उसको आपको 3D वर्ल्ड मीन्स हमारा जो करंट वर्ल्ड है उसमें वो रियलिटी में कैसे महसूस होगा, कैसे दिखेगा, उसकी प्रैक्टिस करना है। मान लो आपने घर लगाया है तो आप अपने एरिया में या बाहर कहीं जाके उस तरह के घर को देखने जाना चाहिए, आपको उसको महसूस करने की कोशिश करना चाहिए। अगर कार आपने लगाई है तो आप टेस्ट ड्राइव पे जाइए, मींस उसको महसूस करने की कोशिश करना है, 3D वर्ल्ड में उसको ऑब्जर्व करना है, उससे भी आपके वाइब्रेशन हाई होते हैं, मैनिफेस्टेशन की स्पीड बढ़ती है। थर्ड थिंग जो आपको करना है, मैनिफेस्टेशन के लिए आपने जो भी गोल बनाए हैं उनको मैग्नीफाइज करना है। मींस अगर आपने 50,000 पर मंथ का गोल बनाया है तो उसको आपको 1 लाख करना चाहिए, अगर आपने 1 लाख का बनाया तो उसको 2 लाख करना चाहिए। इस तरीके से आपने जो भी चीज़
मैनिफेस्टेशन की, उसको मैग्निफाइज करो। मैग्निफाइज करने से हमारी जो ऑटो सजेशंस हैं, जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमको देता है, वो भी उसी अकॉर्डिंगली देता है। मीन्स अगर हम अपना 100 तक का गोल सेट करते हैं तो 10 तो 100% होना ही है। और उसके बाद उसको जब मैग्निफाइज कर चुके हैं, तब अब उसको क्या करना है कि आपको टाइम पीरियड भी उसका रिड्यूस करना है। जैसे मान लो आपने 1 साल का टाइम दिया है, तो उसको आपको 6 मंथ करना है। अगर 6 मंथ का टाइम है तो आपको 3 मंथ करना है। इससे भी हमारे जो सबकॉन्शियस माइंड के ऑटो सजेशंस हैं, वो बहुत जल्दी उसको अचीव करने के लिए क्या कर सकते हैं हम, वो सजेशंस हमको देते हैं। और फिर उसके अकॉर्डिंगली जब हम इंस्पायर्ड एक्शन लेते हैं, तो हमारा मैनिफेस्टेशन बहुत जल्दी होता है। नेक्स्ट आपको जो फोर्थ चीज़ आपको करनी है, वो आपको करनी है कि आपने जो भी गोल बनाए हैं, मान लो आपने अभी 1 साल का गोल था वो आपने 6 मंथ का कर लिया है, 50,000 का गोल था उसको आपने 1 लाख कर लिया है, और टाइम ड्यूरेशन भी कम कर लिया है, तो अब क्या करना है? अब प्रेशर थोड़ा सा क्रिएट होता है, तो आपको क्या करना है? कई बार वो लगता है कि अनबिलीवेबल है, कैसे कंप्लीट होगा, तो उस समय आपको क्या करना है, उसको छोटे छोटे टुकड़ों में बांटना है, उस गोल को चंकिंग बोलते हैं उसको। मींस अगर आपने पर डे के अकॉर्डिंगली उसको डिवाइड कर लिया, कि मान लो आपको इस दिन में, आपको महीने भर में मान लो आपको 4 प्रोजेक्ट करने हैं, तो 4 प्रोजेक्ट को आपको 1 सप्ताह में 1 प्रोजेक्ट करना है, नेक्स्ट वीक में आपको 1 प्रोजेक्ट करना है। तो इस तरीके से जब हम गोल को छोटे छोटे हिस्सों में बांट लेते हैं, तो वो हमारा विश्वास उस पर बढ़ जाता है, हमारा जो बिलीफ सिस्टम है वो बढ़ जाता है कि हाँ ये तो का हो ही जाएगा, ये तो छोटा सा काम है आज के दिन। बोलते हैं ना, बॉब प्रॉक्टर भी बोलते हैं, अगर आपने हर एक दिन को सफल बनाया तो आप पूरे महीने को सफल बना सकते हो, पूरे साल को सफल बना सकते हो, और अपने पूरे जीवन को सफल बना सकते हो। एक्चुअली बड़ी बड़ी अचीवमेंट का यही एक राज है कि हर दिन को सक्सेस बनाना है, छोटी छोटी चीज़ों से शुरुआत करना है। तो इससे आपका बिलीव बढ़ता है और इसकी वजह से आपका मैनिफेस्टेशन को स्पीड मिलती है। एंड लास्ट जो 5th आपको करना है, वो आपको करना है कि कुछ भी आपको काम करना है, वो अपने कंफर्ट जोन से हटके कुछ काम करने की कोशिश करो, कुछ सीखने की कोशिश करो, क्योंकि अभी तक आप जो सेम चीज कर रहे थे तो उसका रिजल्ट भी सेम ही मिलेगा। और वहां पे जो आपके विचार चल रहे होते हैं, वो वही चल रहे होते हैं, बार बार रिपीट कर रहे होते हैं। हम जरूर एफर्मेशंस बोलते हैं, पर सबकॉन्शियस माइंड में इतने जल्दी वो जाती नहीं है। इसकी वजह से हमारे पुराने विचार ही हमारे अंदर चल रहे होते हैं और हम वैसा ही महसूस कर रहे होते हैं, तो नई चीज कैसे मैनिफेस्ट होगी? तो ये सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे अच्छी प्रैक्टिस है, ये मैंने खुद भी शुरू की है। जो मेरे कंफर्ट जोन से बाहर की चीजें रहती है, जिसके बारे में मैंने नहीं जाना है, मैं उसको जानने की कोशिश करती हूँ। जैसे फाइनेंस के बारे में मुझे बहुत ज्यादा पहले बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था। एक्चुअली मुझे ऐसा लगता था वो कंफर्ट जोन के बाहर है। बीइंग अ डॉक्टर, मुझे बस अपने वर्क पे ही फोकस मेरा ज्यादा रहता था और मैं वहां कंफर्टेबल भी फील करती थी। बट जब से मैंने ये प्रैक्टिस शुरू की है, मेरे मैनिफेस्टेशन भी जल्दी होते हैं, जो भी चाहो वो बहुत जल्दी हो जाता है। क्योंकि क्या होता है, आप उसको एक तरीके से लेट गो भी कर रहे होते हो, क्योंकि आपने डिजायर क्रिएट की, यूनिवर्स को बोला, सही तरीके से आप उसके अनुसार बिहेव भी कर रहे हो जैसे वो ऑलरेडी डन है, और फिर अब आप कुछ नया काम करने की कोशिश कर रहे हो, तो वो ऑलरेडी वो हो ही जाता है। और आपको कंफर्ट जोन से बाहर कुछ ऐसा सोचो जो पहले आपने किया ना हो, अदर सब्जेक्ट के बारे में सोचो, उसके अनुसार काम करने की कोशिश करो, कुछ नया स्किल डेवलप करने की कोशिश करो, उससे आपके वाइब्रेशन हाई होते हैं और कंफर्ट जोन के बाहर ही मैजिकल जोन एग्जिस्ट करता है। उसको आप इस तरीके से भी नहीं करना है कि बहुत स्ट्रेस हो रहा है। क्या होता है, रोंडा बर्न भी बोलती है, मैनिफेस्टेशन इज ईजी, मैनिफेस्टेशन इज एफर्टलेस, और हम यहाँ ग्रो करने के लिए आए हैं। तो कुछ भी काम करो, नया काम करो, उससे डरो मत, उसके बारे में सोचने की कोशिश करो, तो आपके जो न्यू न्यूरॉन्स डेवलप होंगे, नए आपका जो ब्रेन जितने परसेंट काम कर रहा होता है उससे ज़्यादा करने की कोशिश करेंगे, नए नए विचार आपके दिमाग में आएगा। तो इस तरीके से आप उसको कंफर्ट जोन से बाहर जब काम करने लगते हो, तो आपका जो मैनिफेस्टेशन है वो 100 times स्पीड पकड़ता है। आई होप दिस वीडियो विल हेल्प यू टू मैनिफेस्ट एनीथिंग एंड इन वेरी शॉर्ट टाइम ऑफ पीरियड। और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक